कि ये कुछ एप्पल प्रोडक्ट मतलब इसके अंदर है नहीं बट डब्बा पड़ा हुआ है। होने दो पहले मेरे। मित्रों की हाल चाल, मैं हूँ शिशांत श्राफ और गुड मॉर्निंग यार, मतलब गुड आफ्टरनून होने वाला है क्योंकि 12 बज चुके हैं। और ये देखो कितना पसीना है यार, कितनी गर्मी है, मैंने पंखा ही बंद कर रखा है क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी। तो देखो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने, तुम कहते हो वीडियो बनाना आसान है बट भाई इसी बात बिल्कुल नहीं है। तो आज ये 1 अप्रैल मतलब अप्रैल फूल, आज लोग कुछ मतलब बुद्धो बनाते हैं, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है यार, मतलब तुम्हें बताता हूँ होंगे। तो आज 1 अप्रैल यार, तुम लोग से तो प्रैंक व्रैंक करूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, प्रिय भाई हो, सबको लोग हो, मतलब तुम लोग से क्यों झूठ बोलूंगा। और मैं पहले ही बता दूं कि यार ये प्रैंक मैं घर वालों के साथ नहीं करने वाला, मतलब एक भैया उनके साथ करूंगा, घर वालों के साथ करूंगा तो भाई वो घर से बेदखल कर देंगे, तो मैं क्या करूंगा यार। दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है तुझे। तो यार थोड़ी सेफ्टी ऑफ्टी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लोग सोच रहे हो कि भाई तेरा हाथ क्यों ऊपर है, एक्चुअली मेरा हाथ इसलिए ऊपर था क्योंकि ये कुछ एप्पल प्रोडक्ट। देखो एक्चुअली मैं जिस साथ प्रैंक करने वाला ना, उनके पास फोन है, उतना अच्छा फोन नहीं बट उनका बहुत अच्छा फोन है। अरे कहना क्या चाहते हो। तो अगर मैं उनको ऐसे लपेट वपेट के फोन दूंगा तो वो समझ जाएंगे यार कि ये ऐसा ही फोन होगा और ऐसा बना रहा है मेरे को, मतलब पागल बना रहा है मेरे को। तो इसलिए मेरे पास ये एयरपॉड्स पड़े हुए मेरे पुराने, मतलब इसके अंदर है नहीं बट डब्बा पड़ा हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई लपेट वपेट के भाई इतना लपेटूंगा कि खोलने में 10 मिनट लग जाए। एंड ये भगवान जी मेरा पहला प्रैंक काश ही सक्सेसफुल हो जाए यार। तो ये एयरपॉड है भाई, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना लपेटूंगा इतना लपेटूंगा इतना लपेटूंगा इतना लपेटूंगा भाई खोल ही नहीं पाएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज है कि यार फोन लपेट के दूंगा तो वो समझ जाएंगे एंड एयरपॉड्स को समझ नहीं पाएंगे कि क्या है एक्चुअली में। तो यार प्रैंक करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यार ऐसे दूंगा तो समझ जाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए अखबार, टेप चाहिए, थोड़े कपड़े वपड़े लेके आऊंगा जिससे वो डब्बे को साफ कर सको, एंड अंदर कुछ रखना पड़ेगा जिससे वो भारी भारी लगे यार। उसके बाद मैं अखबार लेता हूँ और लेता हूँ ये कैंची जिससे मैं नमकीन के पैकेट्स काटता हूँ, और ये कपड़ा भी लेता हूँ यार जो कि मेरे फेवरेट लोवर से बना था। तो यार मेरे को पता है तुम मेरे को देख रहे हो, मैं तुम्हें काश देख रहा होता। खैर यार देखो अभी इसको साफ करना है सबसे पहले काम ये है हमारा, तो लास्ट तक भाई मैं साफ देना और देखते रहना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो ये। तो ये देखो ओरिजिनल एयरपॉड्स, ये थोड़ा सा छिल गया यार, इसका भी कुछ उपाय निकालना पड़ेगा नहीं तो हमारा प्रैंक वहीं पे फेल हो जाएगा। तो ये मैंने अखबार ले लिया है यार, अब इसको पैक करना शुरू करते हैं। ठीक है यार, पैकिंग होने की पहली एक समस्या जाती है। गाइस यार एक समस्या हो गई, मेरे घर पे टेप ही नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे अरे तेरा प्रैंक तो फेल हो गया अब तू क्या करेगा, तो भाई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को चलना पड़ेगा पूरा बोरिया बिस्तर समेट के अपने स्टूडियो में क्योंकि वहाँ टेप है, और फिर चलो वहाँ कार्यक्रम कम्प्लीट करते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं वहाँ से। तो गाइस यार मैं स्टूडियो आ चुका हूं, मेरे पास टेप भी है भाई, तो अब मैं उसको पैक कर सकता हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी पैक करना शुरू करते हैं। बट पैकिंग के पहले मेरे पास एक आइडिया है, ये एक बॉक्स है भाई, छोटा सा बॉक्स, इसको मैं इसके अंदर रखूंगा। और तुम्हें पता है इसके अंदर क्या लिखा है? तो यार ऐसे मैंने इसमें लिख दिया अप्रैल फूल, इसको बंद कर दूंगा मैं। यार कुछ भी कहो, मैं चीजें रिफर्विश करने में बहुत अच्छा हूँ यार। देखो बॉक्स एकदम नया ही कर दिया था, उसके बाद भाई 10,000 अखबारों की मदद से मैं इसको पैक करना शुरू कर देता हूँ। भाई मेरी हालत देखो यार, बाल बाल कैसे हो गए पैक करते करते, कम से कम मैंने इसे 20 से 25 लेयर लगाई है। और ये एयरपॉड्स से तो भाई मैं एप्पल के बैग में भी देने वाला हूँ, मतलब रियल लगना चाहिए यार, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। बट उसके पहले सबसे पहले मैं काम करूंगा, इसमें ना अपना नाम लिख देता हूँ। तो यार ये बॉक्स बन के रेडी है, मैं इसको फाइनली इसके अंदर डालने जा रहा हूँ। तो यार प्रैंक करने के पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भैया के साथ ही प्रैंक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़े वो सीधे साधे से हैं एंड उनको अप्रैल फूल के बारे में पता नहीं कि ये होता क्या है। तो मैंने सोचा कि भाई ये गिफ्ट देके प्रैंक भी हो जाएगा, मैं उनको बता दूंगा कि अप्रैल फूल होता क्या है यार। तो ये मेरा गिफ्ट देखो कितना सही लग चुका है। यहाँ पे सिर्फ वही भैया जिनको नहीं पता अप्रैल फूल, बट बाकी को पता है। तो भाई सबसे पहले बाकियों को लाके यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि भाई मुंह मत खोल देना, मैं प्रैंक करने जा रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले सबको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर उनको बुलाता हूँ एंड कैमरा कहीं पर छुपा दूंगा यार, फिर देखते हैं कैसा रिएक्शन कैप्चर होता है। निकी भाई आपको पता, आपके लिए मैंने ना एक गिफ्ट खरीद के लाया है, सच में दिखाऊंगा थोड़ी देर में, सब्र करिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना गिफ्ट दिखाने के लिए। बिल्कुल क्या निकला क्या तो क्यों नहीं निकलेगा, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना देने वाला। भाई मुझे तो बड़ी डर लग रही है, उन्होंने पहले ही बोल दिया अगर नहीं निकला गिफ्ट तो क्या होगा, और सही गिफ्ट तो नहीं है। खैर चल के सबसे पहले मैं सबको मना कर देता हूँ यार कि कोई बताए ना क्या, जब प्रैंक फूल है। गाइस एक्चुअली मैं अभी देख रहा हूँ कि यार यहाँ पे वो खड़े तो नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने सुन लिया तो भाई प्लान चौपट हो जाएगा, इतनी मेहनत करी सुबह से, कुछ नहीं ऐसे ही खड़ा हूँ। 3 weeks later. मतलब लोगों को आज पागल बनाते हैं। तो खैर उनका गिफ्ट मैंने आपको दिखा दिया, पर आप उनको बताएंगे नहीं अगर पूछते हैं, ठीक है, बोल जाए मेरे को नहीं पता, सही में दे रहा होगा, ठीक है, बोलना नहीं आपको, बस बोलना नहीं, मुंह बंद करके। तो यार फाइनली जो मैंने इतने दिनों से पैसे इकट्ठे करके इनके लिए जो गिफ्ट खरीदा था, अब वो बड़े मुश्किल से इनको नीचे ले आया हूँ। तो गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, लेकिन क्या हुआ, हमारा गिफ्ट कहाँ, गिफ्ट दो, गिफ्ट ये देखिए इसके अंदर, पहले सुन तो लीजिए क्या है, मैं दे रहा हूँ ना, रुक जाइए। तो मैंने आपके लिए ना कुछ दिन पहले एप्पल के एयरपॉड्स मंगवाए थे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है, तो पहले आप गेस करिए इसके अंदर क्या हो सकता है। छूने तो दो पहले मेरे। लो छूइए, देखिए मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया है आपके लिए,
क्योंकि यार मैं सच बताऊं गाइस यार एक्चुअली मेरे 3 से 4 बर्थडे निकल के मैंने इनको आज तक पार्टी नहीं दी और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे ओकेशन हुए जिसमें इनको मैंने कुछ भी ऐसे सेलिब्रेशन के रूप में दिया नहीं था, तो मैं बहुत दिल से चाहता था कि यार इनको मैं कुछ दूं अपनी तरफ से। बात है जी एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। पूरा खोल के जाइएगा पहले यार, ऐसे ऐसे अच्छे से खोलिए, खराब हो जाएगा यार वो। हाय मेरा गिफ्ट मिल गया मुझे। खोलिए तो उसको, खोलिए तो। इतने सारे कागज हैं, खोलते खोलते थक गया मैं, अब इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते, खोलिए तो। यार अरे इसके अंदर है नहीं क्या एयरपोर्ट्स? अबे साले यार मुझे माफ करिए, एक्चुअली क्या है ना मैंने आपके साथ प्रैंक कर दिया, आज अप्रैल फुल है ना, 1 अप्रैल। सारे पेपर बच गए मेरे, सारे पेपर भी खराब हो गए, कुछ मिला भी नहीं हमें। यार प्रैंक मैंने इसलिए आपके साथ किया था कि अप्रैल फुल नाम की चीज मैं आपको समझाऊं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, लोगों को पागल बनाते हैं यार, तो उसमें भी आप बन चुके हैं, तो सॉरी यार अब बहुत मेरे को बुरा लग रहा है। खैर मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बर्बाद नहीं दूंगा, आपके लिए शाम तक एक अच्छा सा गिफ्ट जुगाड़ करने वाला हूं पक्का। कोई बात नहीं, ये जो कागज है तो अभी आपसे हिसाब करवाने वाला हूँ, कहना जब अप्रैल फूल है। रूल बनाता हूँ साथ।